नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी धनुषा में भेल दुर्घटना प्रसंग से। धनुषा में ट्रक के ठक्कर से प्रहरी सहायक निरीक्षक असई के जान गेल। शुक्र दिन ट्रक ठक्कर देला से असई मदन जंग कापर के मृत्यु भेल। प्रहरी जनौलक लू 53 पर 85-75 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार भक जनकपुर देश से आबि रहल कापर के मिथिला नगर पालिका 10 स्थित लालगढ़ में ट्रक ठक्कर देलक। ठक्कर देला लगले हुनक मृत्यु भेल। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता मकेन्द्र मिश्र जानकारी दिलन। ठक्कर दक भागल ट्रक के सुनसरी प्रहरी नियंत्रण में लेलक। प्रदेश दू मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में कार्यरत असही कापर भोरे जनकपुर दिस जात काल ट्रक ठक्कर देने छल। प्रदेश दू के प्रमुख डॉक्टर राजेश हिराज अतुका कला संस्कृति आ संपदा के अंतर्राष्ट्रीय जगत में चिन्हब सब एकजुट भेनाइ आवश्यक रहल बतौलन। जनकपुर धाम में शुक्र दिन भेल होली बहस कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख डॉक्टर अहिराज प्रदेश दू भूमि मंदिर कला तथा संस्कृति में समृद्ध रहल कहित आई के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत कर सब क्यों संगठित बनब आवश्यक रहल बतौलन। जोगीरा के सवाल होए एठाम के संस्कृति के सवाल होए एठाम के गीत संगीत के सवाल होए एकर निरंतरता देल जाए हम सहमत छी। और हमरा विश्वास है जे जोन किसिम के समाज एठाम हम देखलिए एक महीना में जे जिनका लोग से भेंट भेल अगर हम सब कनिक और बेसी संगठित भके काज करी तो सिर्फ नेपाले में नहीं विश्व संपदा में ये भूमि के ये मंदिर के ये संस्कृति के सूचीकृत कैल जा सके छै ततेक हमरा विश्वास है। डॉक्टर एहराज प्रदेश दू हरेक पक्ष में विगत में संपन्न भूमि रहल कहित गणतंत्र न्याय महिला अधिकार विषय अभ्यस्त रह पहिने ही भ चुकल बतौलन। प्रजातंत्र के सवाल होए न्याय के सवाल होए वा गणतंत्र के सवाल होए हमरा बुझाइए जे बहुत पहले अ भूमि पर गणतंत्र छलैया जकर बहस फिर से दुनिया में नया सिरा से शुरू भेलै। लेकिन ई भूमि गणतंत्र के अभ्यास पहले कर चुकल छै, न्याय के अभ्यास पहले कर चुकल छै, महिला अधिकार के अभ्यास पहले से कर चुकल छै, बैंकिंग के अभ्यास पहले से कर चुकल छै, सत्संग के अभ्यास पहले से कर चुकल छै। एहन पुण्य भूमि में हमरा काम करे के अवसर भेटल। ओ होली के महत्व के चर्चा करैत एक आपस में संबंध सुमधुर आ मित्र मिलन करबाक पावन के रूप में होली रहल बतौलन। ओहि क्रम में डेली एक्सप्रेस द्वारा संचालक शंकर शाह द्वारा दोसल्ला ओढ़ा कर प्रदेश प्रमुख अहिराज के सम्मान कयल गेल छल। तहिना जानकी मंदिरक तस्वीर सेहो उपहार देने छल। कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह जनकपुर धाम में होली के पुरान इतिहास रहल कहित एहि पावन में गाओल जाय वाला जोगीरा सहित के लोकगीत के बचाओल जेबाक जरूरी रहल बतौलन। 20-25 साल तो हम ही हमरे नेतृत्व में जे 2.5 से 3 आदमी जे से महावीर चौक से लेके पूरा जनकपुर में हमसब प्रातः काल में रंग के साथ जे से पूरा जनकपुर में जे से हमसब घूमिए। फिर जे से दोपहर के कार्यक्रम जे छे ओहि में हमसब अबीर के साथ जानकी मंदिर में आब के हमसब जे जोगीरा ई होली के एकटा जे से महत्वपूर्ण जे प्रसंग छै महत्वपूर्ण गाना छै ओ जोगीरा छै ओकरा हमरा सबके बचा के राखक चाही अखन लोप भ रहल छै। तै लेल जोगीरा जे छै भगवान के ऊपर में छै राम के ऊपर में छै सीता के ऊपर में छै कृष्ण भगवान के ऊपर में छै आ मस्ती के सेहो ओहिमे गुणगान छै। तो ओ जे जोगीरा जे छै होली के एकटा जे से बहुत महत्वपूर्ण अंग छै ओकरा हमरा सबके बचा के राखक चाही। कार्यक्रम में जनकपुर धाम बाजारक भूत वर्तमान आ भविष्य पर चर्चा के संगे कवि सम्मेलन आ ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य संघक पदाधिकारी आ उम्मीदवार सबक सेहो सहभागिता छल। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर रेशम चौधरी सहित के रिहा कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक रहल बतौलन। प्रदेश दू के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय शुक्र दिन के ने होली मिलन समारोह में अध्यक्ष ठाकुर रेशम चौधरी सहित विभिन्न व्यक्ति ऊपर लगाओल गेल मुद्दा से फिरता कर अपना सकभर प्रयास करबाक प्रधानमंत्री आश्वासन देने बतौलन। उनको भी जो है अपना अधिकार के लिए संघर्ष किए थे आंदोलन किए थे कोई हथियार नहीं उठाए थे वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से। इसलिए जो समझदारी पहले बार बार समझदारी होता है कि मुद्दा हटा लिया जाएगा और जो जेल में है उनको छोड़ दिया जाएगा लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और आप प्रधानमंत्री हैं आप कर सकते हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जितना कर सकते हैं करेंगे। अब अभी तक तो सब पॉजिटिव ही जा रहा है।
अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमंत्री संघ के परामर्श में संविधान संशोधन नागरिकता लगायक विधेयक में सेहो निरंतर परामर्श होइत आयल बतौलन। होली मिलन समारोह में सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा, प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारी लगायत सहभागी छल। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर नागरिकता संबंधी समस्या समाधान कर अपना सब सरकार के दबाव दैत आयल बतौलन। जनकपुर धाम में शुक्रदिन जन सरकार मंच के कार्यक्रम में अध्यक्ष ठाकुर जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के संविधान बमोजिम नागरिकता देल जेबाक विषय में अपना सब सरकार के दबाव दैत आयल बतौलन। वो नागरिकता संबंधी विधेयक के संविधानक भावना विपरीत संसदीय समिति में संशोधन कैल गेल प्रति सेहो असंतुष्टि जनौलन। वो संविधान अनुसार नागरिकता संबंधी एन आना सरकार के कहत आयल सेहो बतौलन। जब तक नागरिकता अगर नहीं है कहीं भी तो राज्य से उसका संबंध कानूनी संबंध स्थापित नहीं होता है, इसलिए राज्य से मिलने वाले किसी भी तरह का चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, ठेका पट्टा जो भी हो, वो वंचित उन सुविधाओं से जो है वो वंचित हो जाता है। तो वास्तव में ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और संविधान में जो व्यवस्था हुआ उस अनुसार का जो है कानून नहीं बन सका है। कार्यक्रम में सहभागी सब संविधान में स्पष्ट व्याख्या हुई तो जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के राज्य नागरिकता नहीं दैत अनागरिक बनौने कहित आक्रोश व्यक्त कने छल। वो सब नागरिकता संबंधी समस्या तत्काल समाधान कर सेहो सरकार के सचेत करो लगे। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, मंचक अध्यक्ष सत्यनारायण शाह के संगे नागरिकता नहीं पाव समस्या में पड़ल व्यक्ति सब सहित सहभागी छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले फागुन 28 गते बाद के निर्णय से फिरता नहीं हेबाक बतौलन। शुक्रदिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल नेकपा एमाले के संसदीय दलक विचार में प्रधानमंत्री केपी ओली फागुन 28 गते बाद भेल पार्टी के निर्णय से फिरता नहीं हेबाक बतौलन। चैत 5 गते आ 7 गते के संसदीय दलक बैठक के निर्णय से सेहो पाछा होब नहीं सकबाक हुनक कहब। वो पार्टी के विधान केंद्रीय कमिटी अनुमोदन क चुकल कहित आई के परिवर्तन कर नहीं सकबाक स्पष्ट केने नेकपा एमाले संसदीय दलक प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बतौलन। प्रधानमंत्री ओली नेकपा एमाले में कोनो गुट आ समूह नहीं रहला से समूहगत रूप में कोनो व्यक्ति संग डीलिंग नहीं करबाक बतौने सेहो प्रमुख सचेतक भट्टराई बतौलन। कालांतर में त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ, अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय छैन, तर अहिले नै यो विधानमा तलमाथि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि उहाँले प्रश्न गरिसक्नु भएको छ। भने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो पार्टीमा समूहगत वा गुटगत तरिकाले अब हामी कसैसँग डिलिङ गर्दैनौँ। नेकपा एमालेमा कुनै गुट वा समूहको अस्तित्व छैन, छ भने एउटै पार्टी छ, त्यो मात्रै हामी चाहिँ स्वीकार गर्छौँ। व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येकका आलोचनाहरू, प्रत्येकका गुनासाहरू, हरेक व्यक्तिका चाहिँ पार्टीप्रतिका आफ्ना भनाइहरू हामी हमेसा सुन्न तयार छौँ। तपाईँहरू मुख्य सचेतकलाई भन्नुहोस्, दलको उपनेतालाई भन्नुहोस्, दलको नेतालाई भेटेसम्म भन्नुहोस्, तर गुटगत हिसाबले र समूहगत हिसाबले कुनै पनि प्रकारको छलफल र कुराकानी नगरिने कुरा पनि उहाँले बैठक अगला दिन में संसदीय दलक बैठक नियमित बैसबाक आ सांसद सबक क्षमता वृद्धि में ध्यान देबाक निर्णय केने सचेतक प्रमुख सचेतक भट्टराई बतौलन। जारी गराउनु भएको छ र आजको बैठकले अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के निर्णय गरेको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो संसदीय दलको बैठकले बैठक नियमित बस्छ, सांसदहरूलाई हामी उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान पनि दिन्छौँ र सांसदहरूले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि, जनताका समस्याहरू संसदमा मुखरित गर्नका लागि र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो जिल्लाका आवाजहरूलाई संसदमा व्यवस्थित तरिकाले राख्नका लागि हामी तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्छौँ भनेर पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आजको बैठकमा भन्नुभएको छ र आगामी दिनमा अब यो बैठक हामी लगभग उत्तरार्धमा छौँ किनभने प्रधानमन्त्री ओली नेकपा एमालेका नेताद्वय माधव कुमार नेपाल भीम रावल बुझाउने स्पष्टीकरण नकारात्मक भेला छ कार्यवाहीकै भागीदार रहल बताउने सेहो यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले तपाईँले पहल कदमी लिनुहोस्। हिजोका कतिपय तिता मिठा कुराहरूलाई बिर्स्यौँ, उत्तेजित भएर होइन संयम र धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ किनभने परिस्थिति निकै खतरा छ, निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो मुलुकले नेकपा एमालेको एकता खोजेको छ, सिमुङ्गो वामपन्थीहरूको एकता खोजेको छ, सरकारको स्थायित्व खोजेको छ र जनमतको कदर गर्ने कुरा पनि खोजेको छ।
त्यस कारणले सर्वोच्च अदालतले जुन प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेर मुलुकमा एउटा लोकतन्त्र संविधानको रक्षा गरेको छ। अब हामीले राजनीतिक स्थायित्व दिउँ, पार्टीको एकतालाई सुदृढ गरौँ, जनताको अपेक्षालाई पुरा गरौँ भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राखेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ र उहाँले आजलाई एउटा नयाँ घटनाको रूपमा पनि चित्रित गर्नुभयो। आज एउटा नयाँ घटना घट्यो, अस्ति भाग लिन नआउनु भएको साथीहरू पनि आउनुभयो। बैठकमा नेकपा एमालेका नेता तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अगिला बजेटके लेल सांसद सबसँग फिडब्याक मग्ने आ अपन क्षेत्रको विकास लेल महत्वपूर्ण ढल योजना सब विधि सम्मत रूपसँग मन्त्रालयमे देव आग्रह कयने छला। नेता सब झलनाथ खनाल, घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट सेहो अपन अपन धारणा रखने प्रमुख सचेतक भट्टराई जानकारी देलन्। नेकपा एमाले झलनाथ माधव समूह पार्टीके मजबूत आ गतिशील बनाव पार्टी भीतर रहिकऽ संघर्ष करबाक निर्णय कयलक अछि। शुक्र दिन काठमाण्डूके कलंकीमे बैसल झलनाथ माधव पक्षके केन्द्रीय कमिटी सदस्य सभक बैठक पार्टीके मजबूत, गतिशील आ क्रियाशील बनाकऽ विधि आ पद्धतिमे चलाबऽ लेल पार्टी भीतर रहिकऽ संघर्ष करबाक निर्णय कयलक अछि। एकर लेल प्रधानमंत्री निवास बालवाटारमे आयोजना होवयवला संसदीय दलक बैठकमे जेबाक निर्णय भेल सेहो नेकपा एमालेके नेता रघुजी पन्त जानकारी देलनि। र त्यो छलफल हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिने पनि विचार गरेका छौँ र त्यसपछि संसदीय दलको बैठकको बारेमा छलफल हो र सांसद साथीहरू आजको संसदीय दलको बैठकमा जानुहुन्छ, त्यहाँ आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ र हामीले यो किन निर्णय गर्यौँ भन्दाखेरि हामी नेकपा एमालेभित्र बसेर पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि, पार्टीलाई शुद्ध बनाउनको लागि, पार्टीलाई गतिशील र क्रियाशील बनाउनको लागि र पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनको लागि पार्टीभित्रै रहेर सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीतिअनुसार संसदीय दलको बैठकमा भाग लिएर आफ्ना कुराहरू राख्ने भन्ने। बैसारवाद एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे केन्द्रीय कमिटी सदस्य सब हस्ताक्षर कऽ केन्द्रीय कमिटी बैसार माग गर्बाक निर्णय कयने बतौलन्। नेकपा एमाले जो मरेको नेकपा एमालेलाई जहाँ बिउताइयो त्यो बिउतेकै ठाउँबाट पार्टीका सङ्गठन, संरचना, सम्पत्ति जो जे हुन् त्यही बिन्दुमा फर्काएको हुनाले पार्टी त्यहीँबाट सुरु हुनुपर्छ भनेर हामी सेन्ट्रल कमिटीका सदस्यहरूले दस्तखत गरेर बैठकको माग गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गऱ्यौँ। एउटा त्यसैको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाइएको थियो, हामीले स्थायी कमिटीमा यही छलफल गरेका थियौँ। दोस्रो संसदीय दलको बैठकमा जाने, आफ्ना कुराहरू राख्ने, नोट अफ डिसिसन राख्ने, त्यहाँबाट फर्काउने। संसदीय दलक बैसारमे जाकऽ नोट अफ डिसेन्ट राखिकऽ घुरबाक नेता पाण्डे बतौलनि अछि। नेपालमे पछिला 24 घण्टामे आओर 156 गोटेमे कोरोना वायरसके संक्रमण पुष्टि भेल अछि। सङ्गे कोरोना संक्रमितके संख्या 276,665 पहुँचल अछि। पछिला 24 घण्टामे 90 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि सङ्गे नेपालमे कोरोना संक्रमण भऽ ठीक भिनिहारके संख्या 272,342 पहुँचल अछि। नेपालमे पछिला 24 घण्टामे कोरोना वायरस संक्रमणसँ 4 गोटेके जान गेल अछि। एखन नेपालमे कोरोनासँ जान गुमाबयवलाके संख्या 3,024 रहल अछि। प्रदेश 2 मे पछिला 24 घण्टामे कोरोना संक्रमित नहि थप्यायल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय दिन तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,229 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,986 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। एखन धरि 146,859 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे सँ 34 स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। कोविड संक्रमण जोखिम के रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल सार्वजनिक यातायात क्षेत्र में कड़ाई होबय लागल अछि। शुक्र दिन जिला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डू में प्रमुख जिला अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्रैफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी आ यातायात मजदूर बीच भेल परामर्श में कोविड संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल सार्वजनिक यातायात क्षेत्र के कड़ाई करबाक निर्णय भेल अछि। प्रमुख जिलाधिकारी काली प्रसाद पाराजुली सार्वजनिक यातायात क्षेत्र में स्वास्थ्य मापदंड के कड़ाई के संपालना करबाक निर्णय भेल बतौलनि। अनिवार्य मास्क लगेबाक, सीट क्षमता अनुसार यात्रो सब रखबाक, भौतिक दूरी के व्यवस्थित करबाक आ बस पार्क में साबुन पानी के व्यवस्था कऽ हाथ धोबाक व्यवस्था करबाक लगायत निर्णय भेल जानकारी देलनि। यातायात व्यवसायीहरू, मजदूर को प्रतिनिधिहरू, यातायात संक्रमण दर बढ्दै गइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब रोकथाम गर्नको निम्ति, कोरोना को संक्रमण दर चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति, नबढ्न दिनको निम्ति हामीले विभिन्न निर्णयहरू पनि गरेका छौँ। आज चाहिँ जुन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन छ त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीहरू, मजदुरको प्रतिनिधिहरू, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरीको एसएसपी साहब सहितको
बैठकले अब यो सार्वजनिक क्षेत्रमा अब आजैदेखि लागू हुने गर्यो अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन लगाउने त्यसपछि चाहिँ नि सिट क्षमता अनुसार यात्रीहरू राख्ने भौतिक सिटको क्षमता त्यो भौतिक दूरीलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्ने र बस पार्कहरूमा चाहिँ साबुन पानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने हात धुने व्यवस्था गर्ने र माइकिङको व्यवस्था गर्ने र अब यो चाहिँ जनचेतनालाई चाहिँ व्यापक रूपमा फैलाउने र चाहिँ नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर स्वार भारतमै कोरोना संक्रमण बढ्दै गेल नेपालमा चाहिँ बढ्दै जा रहला छ पूर्व सावधानी अपने भाग सम्बन्धमा परामर्श भेल बतलैन अथवा नेपालमा पनि सिडु साहबले चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले कोरोनाको महामारी अझै बढ्दै गएको यसमा अलिकता चाहिँ यो मित्र राष्ट्रमा चाहिँ बढी देखिएको र काठमाडौँ अथवा नेपालमा पनि यसको जोखिम बढ्दै जाने अवस्था देखिएको हुनाले यसको प्रि मेजर्सहरू के गर्न सकिन्छ यो रोकथामको लागि जस्तो अनिवार्य मास्क भनेको छ सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू भनेको छ यो प्रिमियरली बैठकमा सिडो साहबले यसको चाहिँ उहाँको आफ्नो जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यो सुरुवाती बैठक डाकेर आज चाहिँ प्राइभेट सेक्टर सम्पूर्ण यातायात व्यवसायी महासङ्घ र चाहिँ मजदुर ट्रेड युनियन साथीहरूलाई बोलाएर ट्राफिक महाशाखा यातायात व्यवस्था विभाग बसेर सम्पूर्ण पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ यो जोखिमबाट यसलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले नै आजको बैठक बसेका हुन्। कोभिड संक्रमणकै दोस्रो लहर आवश्यक भएको सम्भावना देखल गेला बाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ संक्रमणकै रोकथाम तथा नियन्त्रणकै लेल विभिन्न निकायसँग परामर्श गरि रहल अछि। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ अगिला 5 वर्षभित्र नेपाल सरकारसँगकै समझदारीमा 677 आँखि उपचार केन्द्र स्थापना गर्न लागल अछि। नेत्रज्योति दिवसके अवसरमा शुक्रदिन सङ्घकै नै पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घकै महासचिव भरत बहादुर चन्द सब स्थानीय तहमे रहल आँखि उपचार केन्द्रकै आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत गर्बाक अगिला 5 वर्षभित्र 677 उपचार केन्द्र स्थापना गर्बाक बतौलेन अछि। तहिना एखन सञ्चालन रहल 22 उपचार केन्द्र सबके सेकेन्डरी लेभलमे स्तरोन्नति गर्बाक सेहो बतौलेन। नेपालको संविधान 2072 स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गर्दै गरेको र तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आँखा स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा ग्रहण गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा बमोजिम उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2076 लक्ष्यलाई समेत आत्मसात गर्दै नेपाल नेतृत्व सङ्घले सबै स्थानीय तहमा तहसँग साधेर समन्वयमा 677 आँखा उपचार केन्द्र स्थापना 22 आँखा उपचार केन्द्रलाई हामीले अपग्रेड गरेर सेकेन्डरी अस्पताल स्थानीय गर्ने लक्ष्य रहेको छ। जस्तो हामीले 122 आँखा अस्पताल छ तर 673 किन्नुभयो भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यो के छ गाउँपालिका वार्डमा पनि हाम्रो आई केयर सेन्टर भएको कारणले यो 677 देखिएको हो। मोतियाबिन्दु के अलावा दृष्टि दोष बाल दृष्टिविहीनता जलबिन्दु कॉर्नियल अल्सर डायबिटिक रेटिनोथेरेपी लगायत कार्यक्रम सब सञ्चालन करबाक सेहो महासचिव चन्द बतौलनि। तहिना ई हेल्थ के संस्थागत करैत 5 वर्षभित्र आँखि उपचार के सेवामे मोबाइल हेल्थ के आधुनिक प्राविधिक विकास विस्तार लगायत करबाक बतौलनि अछि। विशेष ध्यान दिँदै आँखा उपचार सेवाले आरम्भ गरेको छ। देशका सबै नागरिकलाई समतामूलक तथा विराट आँखा स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि मोतीबिन्दुको अलावा दृष्टिदोष रेटिनोपैथी र बाल दृष्टिविहीनता जलबिन्दु कॉर्नियल अल्सर डायबिटिक रेटिनोपैथी न्यून दृष्टि पुनस्थापित सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हरेक प्रदेशमा एउटा अस्पताललाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरिनेछ। सङ्घीय संरचना अनुरूप अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन विकास तथा उपयोग गरिनेछ। यस वर्ष विभिन्न आँखा अस्पताल तथा शाखाहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी निर्देशन दिवस मनाउँदै आएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यी हेल्थलाई संस्थागत गर्दै 5 वर्षभित्र आँखा सेवामा मोबाइल हेल्थ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स टेली अप्थोलोजी लगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको विकास विस्तार तथा नियमन गरिनेछ। नेपाल नेतृत्व सङ्घले यस वर्ष नेतृत्व दिवसको अवसरमा सङ्घको अन्तपन निर्माण गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा विशेष योगदान गर्नुहुने श्री गण्डकी प्रदेश सरकार श्री तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङ वरिष्ठ समाजसेवी
नेपाल नेत्रज्योति संघ के स्थापना 2035 साल चैत 13 गते भेल छल। संघ एखन धरि 21 टा आँख अस्पताल, 126 टा आँख उपचार केन्द्र आ 42 टा जिला शाखा के माध्यम से देशक विभिन्न ठाम में सेवा पहुँचबैत आयल अछि। राष्ट्रीय सरकार तथा समन्वय समिति आर्थिक वर्ष 2076-77 के वार्षिक प्रतिवेदन पारित कलक अछि। समिति के शुक्र दिन बैसल बैठक लॉकडाउन के कारण अगला वर्ष पारित कर नहीं पौने आर्थिक वर्ष 76-77 के वार्षिक प्रतिवेदन समिति सदस्य सभक राय सलाह सुझाव के आधार में पारित कैल गेल। समिति सभापति दिल कुमार रावल थापा बतौलन तहिना समिति आर्थिक वर्ष 77-78 के वार्षिक कार्यक्रम के संबंध में देशक राष्ट्रीय संपदा तथा संस्कृति संबंधित विषय के विविध सब संग परामर्श करबाक आ 2078 साल के जनगणना के संबंध में राष्ट्रीय योजना आयोग आ तथ्यांक विभाग संग परामर्श करबाक एजेंडा पारित केने सभापति थापा जानकारी दिलन। प्रतिवेदन हामीले बीचमा यो हाम्रो हाउस बन्द भइसकेपछि हामीले वार्षिक प्रतिवेदन गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न पाएथेनौँ। त्यो तयारी थियो सचिवालयले, त्यसमा मान्य सदस्यजीहरूको राय सुझाव परामर्श लिएर यसलाई पारित गर्ने काम भएको छ। अर्को चाहिँ हामीले यो वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामको वार्षिक कार्ययोजना थियो, त्यसमा हाम्रो समितिको पनि एउटा बजेटको सिलिङ पनि छ। हाम्रो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर बजेटको सिलिङभित्र रहेर हामीले गर्नुपर्ने कामको विषयमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो समितिको महत्त्वपूर्ण सबै कार्यक्षेत्र महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसमा राष्ट्रिय सम्पदा र संस्कृति पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो। हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय सम्पदाको सम्बन्धमा, संस्कृतिको सम्बन्धमा चाहिँ कम्ती त्यो क्षेत्रमा लामो समय अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएका विज्ञहरूसँग केही छलफल गरेर समितिका मान्य सदस्यज्यूहरू पनि त्यो बारेमा जानकारी लिने र त्यहाँ उठेका विषयहरूलाई चाहिँ हामीले पब्लिकली पनि बाहिर ल्याउने हिसाबले यो सम्पदा र संस्कृतिको विषयमा पनि अलिकति व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्छ होला भन्ने समिति यसै पहिले सरकारको दिने निर्देशन कार्यान्वयन भेल नै भेल सम्बन्धमा हो बैठक समीक्षा केने सभापति थापा बतौलने। संसदीय समिति निर्माणाधीन नारायणघाट बुटवल सड़क खंड के निर्माण कार्य तोकल गेल समय भीतर संपन्न करैत काज आगा बढ़ाव सरकार के निर्देशन देलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रवृत्ति समिति के शुक्र दिन बैसल बैठक नारायणघाट बुटवल सड़क खंड आयोजना के निर्माण कार्य तोकल गेल समय भीतर संपन्न करैत शुरू कर नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। समिति नेपाल में संचालन में रहल आयोजना सबक होर्डिंग बोर्ड लगायत के डॉक्यूमेंट सब अंग्रेजी भाषा में भेला से आम नागरिक नहीं बुझला से नेपाली भाषा में लिखवाक व्यवस्था कर से हो सरकार के निर्देशन देने समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड़का बतौलिन। इसको पनि चार्ज बोले खण्ड अन्तर्गत पर्ने निर्माणाधीन नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड आयोजनाको काम पूर्व तयारी बिना अगाडि बढाइएको तथा न्यून क्षमताका निर्माण व्यवसायबाट काम भइरहेकोले योजना आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा यात्रुले अनावश्यक रूपमा शास्ति व्यवहार गरिरहेकोले गुणस्तरीय रूपमा तोकिएको समय आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्य अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्छ। नेपालमा सञ्चालन हुने गरेका कतिपय सडक आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूको होर्डिङ बोर्ड तथा त्यस्ता आयोजनाहरूको बारेमा लेखिएका डकुमेन्टहरूमा अङ्ग्रेजी भाषामा भएको हुना परेको हुनाले पाइएको हुँदा आयोजनाका बारेमा लेखिएका डकुमेन्टहरू आम नागरिकले स्पष्ट बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा पनि लेख्ने व्यवस्था गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार तथा समितिमा रहल सांसद आ कर्मचारी निकट समयमा नारायणघाट बुटवल सडक खण्डके स्थलगत अवलोकन करबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। तहिना पूर्वाधार विकास आयोजनाके सम्बन्धमे समितिमा परामर्श भेला पर निष्कर्षमे पहुँचन नहि सकल कारण विकासके उपयुक्त मोडेलके विषयमे पूर्वाधार विज्ञ सङ्घ सम्बन्धित कार्यशाला गोष्ठी करबाक बतौलने अछि। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम आर्थिक वर्ष 76-77 के नाफासँ शेयरधनीके प्रति शेयर 40 रुपैयाके दरसँ नगद लाभांश वितरण करबाक निर्णय कयलक अछि। टेलिकमके शुक्र दिन बैसल 13 वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समिति प्रस्ताव केने 40% नगद लाभांश पारित कयलक अछि। तहिना साधारण सभा वार्षिक प्रतिवेदन पास करबाक अनुसूचीमे पारित करबाक आ आर्थिक वर्ष 77-78 के लेल महालेखा परीक्षक के कार्यालय परामर्श तथा कंपनी के लेखा परीक्षण समिति के सिफारिश में लेखा परीक्षक नियुक्त केने टेलीकॉम के प्रवक्ता राजेश जोशी बतौलने तथा कंपनी को लेखा परीक्षण समिति को सिफारिश में लेखा परीक्षक जीवर नियुक्त करने काम संपन्न भो ये सर्वसाधारण शेयरधनी को प्रतिनिधि में अंबिका प्रसाद पौड़ालज्यू निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भयो।
यसको अलावा आर्थिक वर्ष 76-77 को डिविडेन्ड नगद लाभांश प्रति सेयर ₹40 घोषणा गरियो। सधैँ चाहिँ साधारण सभामा योभन्दा अगाडिका साधारण सभाहरूमा पनि सेयर धनी महानुभावहरूको आफ्नो जिज्ञासा सुझाव र प्रश्नहरू यसपालि पनि राख्नुभयो र आज 15 सेयर धनी महानुभावहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो र त्यसको जवाफ कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ज्यूले दिनुभयो। साथै केही विषयहरूमा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली राम टेलिकम बीतल आर्थिक वर्षमे 9,74,89,00,000 रुपैयाँ नाफा आर्जन कयने छल। तहिना कम्पनीके प्रति सेयर आमदनी 64.99 रुपैयाँ रहल अछि। आब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत स्थित मुंबई के एक कोरोना अस्पताल में आग लगी भेल अछि। बृहस्पति के मध्य राति मुंबई स्थित एक 63 रहल सनराइज अस्पताल में आग लगी फैलल अछि। एहि अस्पताल में COVID-19 के संक्रमित के उपचार होइत अछि। आग लगी में पैर कमती में 10 के जान गेल, मुंबई प्रहरी जनौलक अछि। भारतीय संचार माध्यम के अनुसार उक्त दुर्घटना में जान गुमाबय वाला कोरोना संक्रमित अछि वा नहि अछि एखन नहि खुजल अछि। आब खेल समाचार। बजाज खड्ग वॉरियर्स रूपनी राइडर्स 70 में जारी 3rd संस्करण के राजविराज मेयर कप 70 प्रीमियर लीग के फाइनल में प्रवेश कलक। शुक्र दिन प्रतियोगिता के लीग चरण अंतिम खेल में विवेक यादव कप्तानी बजाज खड्ग महबूब आलम कप्तानी के TVS किंग्स राजविराज के 27 से पराजित करत अंक तालिका के शीर्ष स्थान में रहते फाइनल पहुँच सफल भेल। अंक तालिका में 2nd स्थान में रहते रूपनी राइडर्स फाइनल प्रवेश कलक। राज रंगशाला में संपन्न खेल में खड़ग देने 182 रनक लक्ष्य पछौने राज विराज पूरे 20 ओवर बैटिंग केलो पर 7 विकेट के क्षति में 154 रन मात्र बनाब सकल। ऐसा पहिने टॉस जीत कर बैटिंग केने खड़ग निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के क्षति में 181 रन बनौने छल। खेल के प्लेयर ऑफ द मैच अनिल शाह चुनल गेल। बेस्तर अपन समाचार एखन लए एतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।